हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मोहर है। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 2024 में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2024 में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन यहाँ पर रहेगा, आपको सिर्फ यही एक ही बात को आप मेरी मान लेनी है बस। अगर आप मेरी यही एक बात मान लेते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, आप सिर्फ क्या करना, एक ही सेटअप को फॉलो करना। जैसे मैं कंटिन्यूस सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो करता आ रहा हूँ 2021 से, आपको भी मैं यहाँ पर सजेशन दूंगा कि आपको सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो करना है। एक ही सेटअप को फॉलो करने से फायदा क्या होता है, ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैं आपको समझाने के यहाँ पे ट्राई करूंगा। देखिए, आप में से सभी लोग क्रिकेट जरूर देखते होंगे, राइट। और क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं और कीपर होता है, राइट। उसमें का जो बैट्समैन होता है या बॉलर को आप किसी को भी ले लीजिए, जो बैट्समैन अभी बैटिंग कर रहा है, मतलब वो अच्छा बैट्समैन है बना हुआ है, तभी जाके वो यहाँ पे मैच में बैटिंग कर रहा है। अगर आप उस बैट्समैन के पहले की लाइफ में जाएँ, मतलब जब वो क्रिकेट खेलना शुरू किया हुआ था, राइट, और जब उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तो उसके पास वहाँ पर दो ऑप्शन थे कि या तो वो क्या कर सकता था, एक बॉलर बन सकता था या तो वो बैट्समैन बन सकता था। तो जो क्योंकि उसे बैट्समैन बना था, तो उसने बैटिंग को चूज़ किया। और फिर जब वो बैटिंग को स्टार्ट किया होगा, आप सोचिए, जब उसने बैटिंग को स्टार्ट किया होगा, बैटिंग करना, तो वहाँ पर वो क्या बहुत अच्छा बैट्समैन पहले से ही बन गया होगा, इसका आंसर है नहीं। तो उसको क्या होगा, जब वो बैटिंग कर रहा होगा तो उसमें उसके कई सारे वीक जोन होगा, है ना, कि बॉल को वो सही से खेल नहीं पा रहा होगा, जो बाउंसर आ रहा होगा उसको सही से प्ले नहीं कर पा रहा होगा, या यॉर्कर बॉल को सही से प्ले नहीं कर पा रहा होगा, तो ये सारी वीकनेस उसको मिला होगा। और फिर उस पर उसने वर्क किया होगा डेली, जैसे आपको पता होगा बैट्समैन क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर करके उसमें वो परफेक्ट हो गया, इससे वो अच्छा बैट्समैन बन गया। सेम ऐसे ही हम ट्रेडर्स लोगों को भी करना होगा। हम अभी यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, यहाँ पर हमारे सामने क्या होता है, बहुत सारे सेटअप होते हैं, आपको कई सभी सेटअप ले सकते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न और क्या कहते हैं, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेड लाइन कई सारे होते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें से प्लेयर को बैट्समैन बना था तो उसने बैटिंग को चूज किया, ऐसे आपको ट्रेडर बनना है, आपको सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर आप कोई सा भी सेटअप लेते हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न अच्छा लगता है, तो आपको सिर्फ एम पैटर्न पर ही फोकस करना है। अगर आप जब एम पैटर्न पर फोकस करते जाएंगे, तो उसमें अभी भी आपको क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, मतलब उसमें आपको लॉसेस फेस आएगा। बैटिंग में और ट्रेडिंग में अंदर यही है कि बैटिंग में आपको क्या होता है, तुरंत चांस मिल जाता है, प्रैक्टिस मिल जाता है, इसमें क्या होता है, कैपिटल इन्वॉल्व होता है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी इशू आता ही है, ठीक है। तो वीडियो को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपको सिर्फ क्या करना, जैसे एम पैटर्न है, आप अगर एम पैटर्न पर जब आप उस पर वर्क करना चालू कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, आप उसका वीक जोन आपको समझ में आ जाएगा। वीक जोन का कहने का मतलब है कि एसएल फेज, आप उसमें फिर धीरे धीरे जब उसमें कंटिन्यूस ट्रेडिंग करते जाएंगे, तो उसमें का जो एसएल फेज होगा, जहाँ पर आपका फ्रिक्वेंट एसएल हिट हो रहा है, वो एसएल आप उसमें क्या होगा, इलिमिनेट करते जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये ट्रैप जोन है, हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होगा, इसमें आप और भी जब आप उसमें ट्रेडिंग करते जाएंगे, तो आप उसमें डेप्थ में एकदम घुसते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये सिर्फ कि आप इतने दिन कंटिन्यू अगर उसमें फॉलो करेंगे, तो ये तो नहीं होगा कि आप उसकी एक्यूरेसी 100% तक कर ले जाएंगे, पर अगर उसकी एक्यूरेसी आप 60% तक कर ले जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। देखिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हो ना, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या कोई भी सेटअप ऐसा होगा, कोई सा भी सेटअप ऐसा है कि जो जिसकी एक्यूरेसी 60% हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ऐसा कोई सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी 60% हो, या क्या कहते हैं 70% 80% हो, आप मुझे बताना। कोई सा भी सेटअप होता है ना, उसकी एक्यूरेसी 60-70% नहीं होता, ये आपको समझना होगा। अगर 60% नहीं होता, कि आपका उसमें माइंडसेट इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, तो डब्ल्यू पैटर्न तो हर जगह बनेगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ना कि हर जगह बनेगा तो हर जगह वर्क करेगा, नहीं, हर जगह वर्क नहीं करेगा। जब आप अगर बैक टेस्ट करेंगे, तो आप सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे, तो उसका जो एक्यूरेसी निकल कर आएगा, वो 40-50% ही निकल कर आएगा। कोई सा भी सेटअप आप उठा लेना, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी जो निकल कर आएगी, फिर इसमें जब आपका थोड़ा सा माइंडसेट इन्वॉल्व हो जाता है, जब इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो आप उसमें क्या होता है, उन्हीं को जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं, उनको आप फिल्टर करना जान जाते हैं। फिल्टर करने का मतलब है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक एम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ये, तो आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ पर अभी ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रैप हुआ है, यहाँ पर इस लेवल के पास रिटेस्ट होगा, तब यहाँ पर नीचे की तरफ हम ट्रेड लेंगे। तो यही होता है, ये एक्सपीरियंस से ही आता है। आप लोग को लगता है आप सिर्फ एक ही दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है, आपको एक सेटअप को प्रॉपर फॉलो करना होगा, ये सोचकर कि इसमें प्रॉफिट्स अभी नहीं बनने वाले हैं। अगर आप एक सेटअप को फॉलो करेंगे, कोई सा भी सेटअप उठा लेना, उसमें मास्टरी कर जाओ भाई। जैसे यहाँ पे मैंने मास्टरिंग 5 में बताया हुआ है, मतलब मास्टरिंग 5 में मैं आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया, जितने लोग एडवांस मेंबर होंगे उनको बताऊंगा, मैं यहाँ पे कितनी डेप्थ में जाकर उनको कई सारी चीज़ें वहाँ पे बताया हूँ, सीक्रेट्स लेवल,
इसलिए मैं कंटिन्यू 5 मिनट स्ट्रेटजी में लगातार ट्रेड कर पा रहा हूँ। कई सारे लॉसेस किया हूँ मैं, तो जाके उसमें मैं वो सारे लेवल्स मैंने फाइंड आउट किया हुआ, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी हमने बढ़ा लिया। ऐसे आप भी कोई सा भी आप ऐसे अपने से ही अपने को एक चैलेंज दे लें कि मास्टर इन डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न फॉलो करने से ये होगा कि आप इसमें क्या होगा, एक शॉर्ट सेलर बन जाएंगे। शॉर्ट सेलर मतलब हो गया कि सेलर बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न पर वर्क करेंगे तो ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखने मिलेगा। कंटिन्यू अगर आप यहाँ पे ट्रेड इसमें को फॉलो करते जाएंगे तो जो इसमें क्या होगा, एसएल होगा, वो आप इसको अवॉइड कर ले जाएंगे। जब एसएल को आप अवॉइड कर ले जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मास्टर इन ट्रायंगल पैटर्न आप इसको रूल अपना बना लीजिए। ट्रायंगल पैटर्न पे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, ब्रेकआउट पर छोटे से एसएल पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। बहुत सारे सेटअप हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, पर उसको आपको फ्रिक्वेंटली फॉलो करना होगा। तो 2024 का सिर्फ एक ही सजेशन है मेरा आपको कि आप जहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में जो आपके सामने की जो दीवार है या वॉल है, वहाँ पर आपको सिर्फ अपना एक सेटअप आज ही के दिन अभी ये वीडियो देखने के बाद एक सेटअप वहाँ पर लगा दो, या अपने माइंड पर एक सेटअप लगा दो कि एक ही सेटअप आपको फॉलो करना है, उस जो सेटअप आपको बढ़िया लगता हो। मेरा रिकमेंडेशन अगर मेरे से पूछेंगे कि मैं आपको क्या सजेशन देना चाहूँगा 2024 के लिए, तो मैं आपको 2024 के लिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप ये एम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट सेलर, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप एक शॉर्ट सेलर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप एम पैटर्न पर सही से ट्रेड लेना सीख जाएंगे तो शॉर्ट सेलिंग में आप बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बना पाएंगे, क्योंकि इसमें वन वे मूव में यहाँ पे फास्ट मूव देखने को मिलता है जब इस तरीके के। और दूसरा यहाँ पे सजेशन मेरा यहाँ पे रहेगा कि आप अपने को खुद से एक चैलेंज देना कि आप क्या कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सीख ली। इसमें क्या होता है, ये प्राइस क्या होता है, थोड़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद जब ये फटता है तो सीधा एक वन वे मूव हमें देखने को मिलता है। तो ये दो पैटर्न पर आप इसमें दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पैटर्न को बहुत फॉलो काफ़ी दिनों से यहाँ पे फॉलो करता आ रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, और यम पैटर्न को कभी कभी फॉलो करता हूँ। तो 2024 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो कर लेना। नीचे कमेंट करके यहाँ पे जाना कि हाँ मैं आज से एक ये सेटअप फॉलो करने जा रहा हूँ, और इसके बाद आप मुझे बताना कि आपका इसमें रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, हो सकता है कुछ लोग को ये वीडियो ना समझ में आओ, पर ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, जो कुछ मैंने समझाया, मेरा समझाने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये था कि अगर आप यहाँ पर एक ही सेटअप को फॉलो करते हैं, तो उसमें आप क्या होगा, उसका जो एसएल फेज़ होगा, आप उन एसएल फेज़ को पहचान जाएंगे, और जब आप एसएल फेज़ को पहचान जाएंगे तो आप वहाँ से ट्रेड लेने से बच जाएंगे। इससे आपका क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप एसएल को अवॉइड करना सीख जाएंगे, जब आप एसएल को अवॉइड कर ले जाएंगे तो आपके जो सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो 40% से बढ़कर वो 60% हो जाएगा। यही मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। और दूसरा सजेशन यहाँ पर मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि आप कोई और सेटअप पर मत जाना। जैसे आप क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनकर आप क्या होता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बोल दिया जाए ट्रैप स्ट्रेटजी, ठीक, आपको लगता है कि आप ट्रैप कर ले जाएंगे, गलत। या आप यूट्यूब पर कई ट्रेडर्स को देखते होंगे कि वो ट्रैप स्ट्रेटजी सिखाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ट्रैप स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता, ट्रैप स्ट्रेटजी 100% वर्क करता है, पर उसको समझने में आपको थोड़ा सा वर्क लगेगा, टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा। जितने लोग यूट्यूब पर जो लोग आपको यहाँ ट्रैप स्ट्रेटजी सिखाते भी ना, वो खुद उसमें ट्रैप होते हैं। पर डिफरेंस कहाँ पर रहता है पता है, ट्रैप स्ट्रेटजी में आपको पता ही नहीं रहता कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना होता है। आपको कहीं पर भी समझा दीजिएगा, हाँ यहाँ पर सेलर डाउन ट्रेड का बन रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, यहाँ पर फिर वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा, ये समझना थोड़ा सा अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ना तो आप अभी ट्रैप स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़े, अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं यहाँ पर सजेशन दूंगा, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं ट्रैप स्ट्रेटजी। और कुछ लोग आपको क्या कहते हैं ऑपरेटर्स कोर्स वाला माइंडसेट बताएंगे, ऑपरेटर्स वाला माइंडसेट क्या करना है, डिकोड करना तो इजी नहीं होगा किसी के लिए, सो इसमें मत पढ़ने जाना। ऑपरेटर्स को डिकोड करने के चक्कर में आप अपना कैपिटल भी गवा देंगे। सिंपल सा एक ही सेटअप को फॉलो करना, कोई कहता है कि वो सेटअप आपका नहीं वर्क करता, ये सब पुराने हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे सेटअप मार्केट में वर्क करता है, एक बार उसको फॉलो करके देखो। बाकी आपको क्या करें, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको 100, ठीक है। तो खुद से एक सेटअप को फॉलो करना, आप 2024 में बहुत अच्छे ट्रेडर्स बन जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा हुआ है तो नीचे कमेंट करना 1, 2, 3, जिससे मैं आपको समझ सकूँ कि आपने यहाँ तक का वीडियो देखा हुआ है। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी 2024 में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर पाएँ, एक ही सेटअप को फॉलो करें जिससे कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बना पाएँ, मेरी यही शुभकामनाएं आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।